दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल लव्यांश ऑटो सेंटर। लव्यांश ऑटो सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास आए हैं हीरो पैशन प्रो। इसमें गाड़ी वाले बता रहे हैं कि हर 2 दिन में फ्यूज उड़ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये 2 जगह मैकेनिक को दिखा चुके हैं, मगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे फ्यूज कटने की समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे मीटर कंसोल में दिखा दूँ, यहाँ कुछ भी लाइन शो नहीं कर रहा है। ये इग्निशन ऑन है, आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन है, कुछ भी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है? इसका फ्यूज कट चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, इसके फ्यूज, ये फ्यूज कट चुका है दोस्तों। तो मैं ये दूसरा फ्यूज और है एक्स्ट्रा फ्यूज, वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें तार बंधा हुआ, इससे नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वायरिंग जल सकता है दोस्तों, इसमें लोड पड़ता है, ऐसे तार नहीं बांधना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम इसे नया लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, लाइन आ चुका है, इसमें लाइन आ चुका है, हॉर्न इंडिकेटर सभी काम करने लगे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आ चुकी है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए और कहाँ क्या चेक करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पहले से ही ढीला कर लिया था दोस्तों, क्योंकि हमें इसकी टंकी उतारनी पड़ेगी, पूरी वायरिंग को चेक करना पड़ेगा। देखिए, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो मेरे साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखा दूँ दोस्तों, बाद में मैंने कहें आप गाड़ी ऑन नहीं। चालू करते ही हमारी बैटरी की लाइन थोड़ी चली गई है दोस्तों, फ्यूज नहीं आ रहा है दोस्तों, लाइन फ्यूज से टूट चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली ये गाड़ी का जो फॉल्ट था वो मिल चुका है। कहाँ से क्या फॉल्ट हो रहा था ये मैं आपको दिखा दूँ, वही गाड़ी है, ये देखिए नहीं कट रहा है अब। इस तरीके से ये गड्ढे में जाती थी तो इसका बैटरी का फ्यूज उड़ जाता था। तो कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा था, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। हमें इसके लिए इसका वाइज़र खोलना पड़ा, और मैं आपको पहले नहीं बता पाया, वाइज़र इसका इसीलिए खोलना पड़ा क्योंकि हमें इसका जो एक पॉइंट उड़ चुका था बल्ब का, वो भी हमें चेंज करना था, इसीलिए हमने इसका समझा वाइज़र उचित खोलना। चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि एक पॉइंट इसमें उड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके हाई बीम उड़ चुका है, सॉरी लो बीम उड़ चुका है, इसके हाई बीम सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हमें चेंज करना है। तो फाइनली दोस्तों, हमें प्रॉब्लम यहाँ मिला, ये जो वायर था इस तरीके से लॉक होता है, इस तरीके से लॉक होता है, और ये जो ब्लैक वाला तार देख रहे हैं आप, ये हल्का सा छिल चुका है, कट चुका है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरीके से कट चुका है। तो यहाँ पे ये घाट में लग लग के इस तरीके से ये हैंडल मुड़ मुड़ के इस तरीके से कट चुका था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से, तो जैसे ही गड्ढे में जाती थी गाड़ी, जर्क करने के कारण फ्यूज उड़ जाता था, बॉडी में टच हो जाता था काला वाला वायर, और पूरी बैटरी की सप्लाई चली जाती थी। तो इसमें हम अच्छी तरीके से टेपिंग करेंगे और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।
इस आपके चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।